राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे चार बहने भूख प्यास नींद और आशा की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें भूख प्यास नींद और आशा ये चार बहनें थीं एक बार इनमें बहस छिड़ गई कि हम चारों बहनों में कौन बड़ा है भूख कहने लगी मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरे बिना भूख के बिना आदमी व्याकुल हो जाता है रह नहीं पाता प्यास कहने लगी कि मैं बड़ी हूं प्यास के मारे भी इंसान जीव जंतु तो कोई भी नहीं रह पाता है नींद कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और इसी तरह आशा कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ अब चारों में बहस शुरू हो गई बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई चारों लड़ती झगड़ती रहीं लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हुआ चारों आपस में कहने लगी कि मैं बड़ी मैं बड़ी अब लड़ती झगड़ती हुए बोली कि हमारा न्याय कौन करेगा चलिए हम अपने नगर के राजा के पास चलते हैं राजा ही अब हमारा जो न्याय करेगा फैसला राजा ही करेगा कि हम में से कौन बड़ा है अब चारों बहन राजा के पास पहुंची राजा ने कहा कि क्या बात है तो चारों बहनें कहने लगी कि हम चार बहने हैं और हम चारों आपस में लड़ रही हैं कि मैं बड़ी हूं दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ चौथी ने कहा मैं बड़ी हूं तो राजा ने कहा भूख से पूछा कि तुम अपने आप को कैसे बड़ी मान रही हो क्या कारण है कि भई कुछ तो विशेषता होनी चाहिए कि तुम बड़ी हो भूख बोली राजा साहब मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं पकवान बनते हैं और जब पकवान बनते हैं तरह तरह की मिष्ठान बनते हैं तब लोग मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ नहीं तो मैं खाऊं ही नहीं भूख ने कहा राजा ने कहा अच्छा राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में चूल्हे न जलाए कोई भी पकवान न बनाए और ना ही थाल सजाए देखते हैं भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी सारा दिन बीत गया आधी रात बीत गई भूख को भूख लगी थी उसने यहां खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी जब उसकी बहन प्यास ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली राजा साहब भूख हार गई है वह घर में पड़े बासी टुकड़े खा रही है देखिए अब मैं बड़ी बड़ी राजा ने कहा कि कि तुम कैसे बड़ी हो? तुम्हारी क्या विशेषता है? कि वही प्यास बड़ी है? प्यास बोली राजा साहब मैं बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं बढ़िया बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं पीती हूं नहीं तो पीऊ ही नहीं राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे किसी का गिलास भरकर पानी ना तो वह भरकर रखे ना किसी को दे और ना पिए कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो देखते हैं प्यास को प्यास लगेगी तो कहां जाएगी अब सारा दिन बीत गया आधी रात बीत गई प्यास को प्यास लगी तो वह भी दौड़ी दौड़ी कभी उधर जाती कभी इधर जाती लेकिन उसे पानी नहीं मिला काफी इधर उधर घूमने के बाद भी उसे एक बूंद भी पानी नहीं मिला लाचार होकर वह एक नाली पर झुककर पानी पीने लगी नींद ने देखा तो वह बड़ी खुश हुई वह भी दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली राजा साहब प्यास हार गई है वह तो एक नाली का पानी पी रही है सच मैं तो बड़ी तो मैं ही हूं राजा ने पूछा तुम बड़ी कैसे हो भाई बड़े होने के लिए भी तो कुछ विशेषता होनी चाहिए तुम्हारी क्या विशेषता है बताइए नींद बोली मैं राजा साहब इसलिए बड़ी हूं कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं उस पर बिस्तर डलवाते हैं नरम नरम मुलायम गद्दे डालते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ नहीं तो मैं सो ही नहीं अब राजा ने फिर अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि जाओ राज्य भर में यह मुनादी करवा दो कि कोई भी पलंग न बनवाए और उस पर गद्दे न डलवाए और न ही बिस्तर बिछा कर रखे नींद को नींद आएगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी सारा दिन बीता आधी रात बीती अब नींद को नींद आने लगी उसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी बिस्तर नहीं मिला लाचार होकर वह एक ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई अब आशा ने देखा कि नींद तो ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई है प्यास भी जो है नाली का पानी पी रही है और भूख भी बासी रोटी खा रही है बासी टुकड़े खा रही है तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली राजा 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 साहब नींद हार गई वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो रही है वास्तव में मैं भूख प्यास और नींद इन तीनों में मैं बड़ी हूं अब राजा ने आशा से पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो तुम्हारी कुछ विशेषता तो होनी चाहिए कि तुम तीनों से बड़ी हो आशा बोली मैं ऐसे बड़ी हूं कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं किसी को नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं अगर किसी को ना मिले तो वे आस रखते हैं कि आज नहीं जरूर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी आज नहीं तो कल मेरी बेटी की शादी हो जाएगी आज नहीं तो कल मेरे बच्चे जरूर पैदा होंगे हर किसी के अंदर मतलब एक आस होती है इसलिए राजा साहब मैं बड़ी हूँ क्योंकि मैं आशा का दीपक बुझने नहीं देती हूँ राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई काम ना करे नौकरी ना करे धंधा मेहनत मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए अब जो सिपाही थे गए उन्होंने मुनादी करवा दी कि कोई भी कोई काम धंधा ना करे और अब जो है दिन बीता सारा दिन बीत गया आधी रात बीत गई कि देखते हैं आशा कहाँ जाएगी अब आशा को आस जगी वह यहां वहां गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था सिर्फ एक कुम्हार के घर में टिमटिमाते दीपक के रोशनी में वह काम कर रहा था वह वहां जाकर टिक गई और अब राजा ने देखा कि कुम्हार का जो दीये बना रहा था मिट्टी के वह सोने के हो गए रूपे की बाती तथा कंचन का महल बन गया आशा के कारण वह तो जो बहुत बड़ा जो कुम्हार था बहुत बड़ा व्यापारी बन गया अब उसके तो जो दिन फिर गए अब जैसे उसने आशा उसकी आशा पूरी हुई ऐसे ही इस कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले की सबकी आशा पूरी करना दोस्तों कभी भी हमें किसी भी परिस्थितियों में अपनी आशा का दीपक नहीं बुझने देना चाहिए कि जब तक आस है तब तक सांस है अगर आस है तो हम कुछ भी उसके लिए करते हैं कि यह आशा हमारे अंदर जगी हुई है तो हम यह काम भी कर लेंगे यह भी कर लेंगे अगर हम आस ही नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को नहीं पा सकते अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें राधे राधे